नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आज के दिन जो तेज गिरावट हुई है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, थोड़ा सा फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानेंगे, फिर उसके बाद प्राइस एक्शन को देखेंगे और ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके भी देखेंगे। ये तीनों पॉइंट को आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आज के दिन आपको सुबह मैंने जो बताया हुआ था तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा 9:43 पर मैंने आपको बताया हुआ था कि 14,500 का जो लेवल है वो एज ए रेजिस्टेंस लेवल एक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट में तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये 14,500 के लेवल के करीब मार्केट ने 2-3 बार रेजिस्टेंस लिया और फिर उसके बाद कंटिन्यू वन साइडेड डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया। अभी आपको समझना है इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो लॉजिक मैं आपको दोनों तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, प्राइस एक्शन से भी और ऑप्शन चेन के एनालिसिस से भी। तो जब भी मैं प्राइस एक्शन को एक्सप्लेन करता हूँ, ऑलरेडी मैंने क्या किया था, संडे के दिन एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब के ऊपर, वो वीडियो में मैंने प्राइस एक्शन के हिसाब से क्लियर कट लॉजिक बताया हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का लेवल भी आपको ड्रॉ करके बताया था, वो डाउन ट्रेंड में कैसा है ये भी यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ था। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से मार्केट ने बिहेव किया और मार्केट ने उसी तरीके से डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया। प्राइस एक्शन के हिसाब से ये डाउन ट्रेंड कैसा है इसका कंप्लीट लॉजिक मैंने वो वीडियो में बताया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। फिर उसके बाद अभी देखते हैं कि मैंने यहाँ पे 9:43 पर जो बताया था कि 14,500 रेजिस्टेंस एक्ट होगा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो विद टाइमिंग के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैंने 9:43 पर आपको बताया था और उसी टाइम का मैं आपके सामने निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 9:44 का ऑप्शन चेन मैंने आपके सामने लगाया हुआ है। अभी ऑप्शन चेन का जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं तो प्राइस एक्शन में हम लोग जिस तरीके से ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं उसी तरीके से ऑप्शन चेन में भी हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना रहता है कि मार्केट में अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है। जब भी हम लोग रिवर्सल के बारे में सोचते हैं तो रिवर्सल के टाइम आप क्या कर सकते हो, आप पुट कॉल रेशो को ख्याल में लेकर रिवर्सल आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ट्रेंडी मार्केट में हम लोगों को क्या पोजीशन लेना है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड पोजीशन लेना है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें कम्प्लीटली डाउन ट्रेंड बताया जा रहा था, अभी हम लोगों को चेक करना है कि ऑप्शन चेन के हिसाब से हमें कौन सा ट्रेंड बताया जा रहा है। तो यहाँ पे कॉल की साइड की तरफ हम लोग रेजिस्टेंस देखते हैं, पुट की साइड की तरफ हम लोग सपोर्ट देखते हैं। तो यहाँ पे मार्केट जो था वो मार्केट 14,486 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो वो टाइम के ऊपर हम लोगों को देखना था कि रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस स्ट्रांग होते जा रहा है या वीक होते जा रहा है। एट द सेम टाइम आपको ये देखना है कि पुट जो है वो पुट वीक होते जा रहा है या पुट जो है वो स्ट्रांग होते जा रहा है। मान लो कि पुट अगर वीक होते जा रहा है तो सपोर्ट का लेवल जो है वो सपोर्ट का लेवल अगर वीक होते जा रहा है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने की पॉसिबिलिटी है, और अगर सपोर्ट अगर स्ट्रांग होते जा रहा है तो मार्केट अप ट्रेंड में जाने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे आप गौर से देखोगे तो आपको क्लियर कट दिखाई देगा। सपोर्ट के लेवल में से आप अगर देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट में एग्जिट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा था कि लोग जो है वो वहां से मार्केट में से निकल रहे हैं, पुट का पोजीशन कम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है लोगों का भरोसा टूट चुका है कि मार्केट अभी ऊपर जा सकता है, तो वहां से वो हट रहे हैं। वो हट रहे हैं इसका मतलब जो है वो सपोर्ट जो है वो सपोर्ट वीक होते जा रहा है, और सपोर्ट जब वीक होता है तो इसका मतलब मार्केट और भी नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो 14,500 के लेवल से मार्केट 14,300 के भी नीचे चला गया था। तो ये हम लोगों को ऑप्शन चेन से अंदाजा आ सकता है कि मार्केट कहाँ से रिवर्स हो सकता है, जो पीसीआर से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और मार्केट में अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है तो उस ट्रेंड के हिसाब से हमें किस तरीके का पोजीशन लेना है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट इंट्राडे में क्या वैल्यूज ऐड हो रहे हैं, कितने क्वांटिटी में लोग वो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आ रहे हैं वो देखना पड़ेगा। फिर उसका कंपैरिजन आपको क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट में करना पड़ेगा कि क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट में किस तरीके का पोजीशन बिल्ट अप पहले से था
और उसमें एडिशन हो रहा है या सब्सट्रैक्शन हो रहा है। अगर वहाँ पे सब्सट्रैक्शन हो रहा है मतलब लोग यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं, इसका मतलब मार्केट और भी नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है। बस इसी सिंपल टेक्निक का आपको यूज करना है। मेरा जो फोर कंपार्टमेंट वाला थ्योरी है, वो फोर कंपार्टमेंट वाले थ्योरी में ये सब बातें मेरे फ्री वाले कोर्स में सिखा देता हूँ। फ्री वाले कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है इसका सब डिटेल मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जिन लोगों को फ्री वाले डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने हैं, उनके लिए फ्री वाले डीमैट अकाउंट ओपन करने का एंजल ब्रोकिंग का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, आप वहां पे जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो। अभी देखते हैं कि कल के दिन मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटी है और हमें कौन सा रणनीति बना के काम करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेली चार्ट के ऊपर जाएंगे और डेली चार्ट में देखेंगे कि किस तरीके का पोजीशन अभी मार्केट में फिलहाल बन रहा है। तो अभी आपके सामने जो चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है वो डेली का चार्ट ओपन किया हुआ है। डेली के चार्ट में सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल को और रेजिस्टेंस लेवल को मार्क करेंगे। तो अभी जो मैंने आपके सामने लेवल ड्रॉ किया है, इसके पीछे का आप लॉजिक समझ लीजिए। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये जो अपना फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, ये फ्री वाला टेलीग्राम चैनल सिर्फ टिप्स के लिए ज्वाइन करते हैं, ऐसा मत कीजिए। यहाँ पे जो मैं आपको कमेंट्री बताता हूँ, जो सिग्नल देता हूँ, उसके पीछे का लॉजिक समझ लीजिए। अगर आप लॉजिक समझोगे तभी जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। तो यहाँ पे इसके पीछे का लॉजिक आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से मार्केट यहाँ से ऊपर घूमा था, मतलब ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट स्विंग लो बन चुका है, और ये इम्पोर्टेंट स्विंग लो एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट होता है। इसलिए मैंने ये 14,000 के नीचे का 200 या 300 के करीब का जो लेवल है, इसको एज अ सपोर्ट लेवल के करीब मैंने आपको ड्रॉ करके दिया हुआ है। और ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक गैप डाउन मिला हुआ है, और जब भी आपको गैप डाउन मिलता है तो वो एज ए सपोर्ट का लेवल करके आपके लिए काम करता है। बस इसी लॉजिक के ऊपर मैंने ये दो लेवल आपके लिए ड्रॉ करके दिए हुए हैं। अभी ये दो लेवल को आपको याद रख के कल के दिन में ट्रेड करना पड़ेगा। आप किस तरीके से पोजीशन बना सकते हो, इसको थोड़ा आपको फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ेगा। फंडामेंटल कौन कौन से पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला आपको यूएस मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम आज रात के दिन होता है उसको देखना पड़ेगा। फिर अभी इंडियन मार्केट में हम लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिगर है कोरोना के बढ़ते हुए केसेस। अगर ये केसेस बढ़ते जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा जो लॉकडाउन का खतरा है वो लॉकडाउन का खतरा बढ़ जाएगा। अभी महाराष्ट्र में लॉकडाउन जारी होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है, उसकी वजह से एक निगेटिव सेंटिमेंट भी यहाँ पे क्रिएट होते जा रहा है। और चौथी बात यह है कि जब भी हम लोग ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस करते हैं तो ओपन इंटरेस्ट में एक टाइम डिके करके फैक्टर होता है। तो ये जो हफ्ता है, ये हफ्ते में एक छुट्टी आने वाला है, तो उसकी वजह से ये टाइम डिके जो होगा वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो ये भी पॉइंट को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये चारों पॉइंट को जब आप कंसिडर करोगे तो उसको आपको प्राइस एक्शन के साथ प्लस ऑप्शन चेन के साथ कंबाइन करना पड़ेगा। प्राइस एक्शन में मैंने आपको दोनों लेवल बता दिए हैं कि कहाँ पे आके एक्टिविटी होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है। फिर उसके बाद ऑप्शन चेन में मुझे क्या लगता है, ये जो अपना फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ, ये फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में मैं लाइव मार्केट में आपको बता दूंगा। ये फ्री वाले टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ पे 92,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, यही अपना ऑफिशियल चैनल है। फिर उसके बाद अभी देखते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम बना हुआ है और हमें कौन सा रणनीति बना के काम करना चाहिए। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी मेरे पुराने वाले वीडियोस में मैंने आपको बता दिया था कि बैंक निफ्टी में जो है वो डाउन ट्रेंड चालू है, और ये डाउन ट्रेंड में कहाँ पे आपको सेल का पोजीशन इनिशिएट करना है, ये संडे के दिन मैंने जो वीडियो लॉन्च किया था वहीं पे आपको मैंने बता दिया है। और अगर आप आज के दिन देखोगे तो मार्केट जैसे ही उस लेवल के नीचे ओपन होगा, कंटिन्यू मार्केट ने डाउनसाइड का मोमेंटम दिखा दिया, और अभी भी मार्केट क्लोजिंग के टाइम ऑलमोस्ट 1600 पॉइंट मार्केट नीचे है। तो कल के दिन अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी के लेवल कैसे निकलना है इसको पहले समझ लीजिए। तो ये लेवल के पीछे का मैं लॉजिक भी आपको बता देता हूँ। ऊपर का जो लेवल आ रहा है ये अपना गैप डाउन का लेवल यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है। नीचे की साइड में यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल बहुत लंबा आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाएंगे और 15 मिनट चार्ट में देखेंगे कि सपोर्ट का लेवल कहाँ पे आ रहा है।
तो 15 मिनट चार्ट में हमें ये सपोर्ट का एक जोन मिल रहा है, यह हमारे लिए कल का एक रेजिस्टेंस सपोर्ट का लेवल हो चुका है। अभी ऊपर के लेवल का मैंने लॉजिक आपको एक्सप्लेन करके बताया कि ये लेवल कौन से बेसिस के ऊपर किया हुआ है, तो ये जो गैप डाउन थ्योरी है जिसको मैंने ऑलरेडी पुराने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है उसको आप देख सकते हो, तो उसके हिसाब से ये 31,700 के करीब जो है वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल बन के आ रहा है। और नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो ये नीचे की साइड में 30,500 का जो लेवल है ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन के आ रहा है। अभी यहाँ से मार्केट जो रिवर्स हो चुका है इसके पीछे का रीजन है पीसीआर। पीसीआर का मतलब होता है पुट कॉल रेशियो। अगर आपको यहाँ पे एक रिवर्सल कब होता है, कैसे होता है, वो टाइम के लिए पीसीआर का वैल्यू क्या होना चाहिए, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं सेपरेट वीडियो भी बना के दे सकता हूँ। मेरे लिए आपके लिए एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप लाइक करोगे उतना ज्यादा मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो अपना एजुकेशनल चैनल है एजुकेशनल चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करूंगा इमीडिएट आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा और इस वीडियो से आपको ज्ञान मिला रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।